लेसिक। आंखों की निगाह को बेहतर करने के लिए इस शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। ये वीडियो आपकी लेसिक की सही समझ बनाने के लिए फायदेमंद होगा। एक नजर मेरे 15 साल के करियर पे। मेरा अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा। लेसिक को लेके कुछ मुख्य बातें। कौन करवा सकता है लेसिक? लेसिक हर एक के लिए नहीं है। किसी भी लेसिक प्रक्रिया के 3 छोटे छोटे पड़ाव होते हैं। पहला, आंख की पुतली के ऊपर एक फ्लैप बनाना। दूसरा, लेजर द्वारा आंख का नंबर उतारना। और उसके बाद पुतली की बनावट सही करके फ्लैप को अपनी जगह वापस टिकाना। चलो देखें ये 3 पड़ाव इस वीडियो में। लेसिक करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक ब्लेड से, दूसरा लेजर से। लेसिक के दोनों तरीकों में अंतर सिर्फ और सिर्फ पहले पड़ाव यानी फ्लैप बनाने की प्रक्रिया में है। ये वीडियो फ्लैप बनाने के दोनों तरीके दर्शाता है। किसी भी आंख में नजर साफ न होने के ये 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। लेसिक इनमें से दिखाए गए पहले 3 दिक्कतों का सही इलाज करता है। पहला, नजदीक की निगाह और नियर साइटेडनेस। दूसरा, दूर की निगाह और फॉर साइटेडनेस। धुंधलापन या दोहरी नजर, जिसे हम एस्टिगमैटिज्म भी कहते हैं, लेसिक प्रक्रिया द्वारा ठीक की जा सकती है। यह वीडियो एस्टिगमैटिज्म को ठीक करने की प्रक्रिया दर्शाता है। निगाह को साफ करने के लिए लेसिक द्वारा आपकी आंख की पुतली का कर्वेचर या फोकस सही किया जाता है। स्लाइड पे दर्शाए ये 4 बिंदुओं को लेकर किसी भी लेसिक प्रक्रिया का खर्चा पता लगाया जा सकता है। ऐसी कुछ गलत जानकारियां
जो लोगों के दिमाग में लेसिक को लेके बैठी है। किसी भी कामयाब लेसिक सर्जरी के लिए दिखाए गए इन बातों का खास रोल रहता है। लेसिक रिफ्रैक्टिव सर्जरी आज की डेट में नजर सही करने का दुनिया में सबसे बड़ा भरोसेमंद तरीका माना जाता है। आप, आपकी फैमिली या दोस्त में कोई चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से छुटकारा पाना चाहता है तो नवी तकनीक लेसिक फेमटो द्वारा ऐसा करना सिर्फ 10 मिनट में मुमकिन है। आज की डेट में मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा, जहां का मैं आंखों के विभाग का चीफ आई सर्जन हूं, नई और आधुनिक तकनीक द्वारा हजारों युवाओं का लेसिक सफलपूर्वक किया जाता है। आंखों को लेके सभी तरह के इंफॉर्मेशन और डॉक्टरी सलाह के लिए मेरे चैनल डॉक्टर डॉट कशिश गुप्ता को सब्सक्राइब करें और घर बैठे सेहतमंद आंखों के लिए सभी तरह की जानकारी पाएं। समय देने के लिए और ये वीडियो ध्यान पूर्वक देखने के लिए आपका धन्यवाद।